जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम के प्रीवियस मॉडल पेपर, जो क्या है इसका एग्जाम जो है सीटेट एग्जाम जो है 7 जुलाई 2024 को निर्धारित किया गया है। अर्थात जो है कम समय में अगर मॉडल पेपर को तैयार और कर लिया जाए तो हम लोगों का जो स्कोर होगा लगभग 130 प्लस हो सकता है। अर्थात अभी एक महीने का पूरा टाइम है, तो अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया जाए तो क्या होगा, इससे हम लोगों को पढ़ने में और जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि मॉडल पेपर के आधार पर आप लोगों को सॉल्व करने में क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात CDP, तो आइए इसका पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है क्या है, पहला कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, अर्थात बच्चों की जो गलतियां हैं, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है तो वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात बच्चों की जो गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं, अर्थात बच्चों से जो गलतियां होती हैं वो किसके, तो इनकी जो क्या होती हैं धारणाएं होती हैं, तो क्या होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो जाती हैं, एक महत्वपूर्ण कदम लेती हैं। तो अर्थात दूसरा क्या होगा, सही है। इसी तरह ये दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, अर्थात संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु दूसरा है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तीसरा है कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। और चौथा है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो इसमें से जो चारों में से जो ऑप्शन है वो है पहला, अर्थात पहला है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, अर्थात पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरा नंबर है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, अर्थात अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो पहला जो है ऑप्शन उस समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या दूसरा है एक मुख्य दर्शक होना चाहिए तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करना देना चाहिए, या तीसरा है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, और चौथा है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो देखिए क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसमें से देख रहे हैं सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह में क्या करना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को प्रत्येक समूह की क्या करनी चाहिए, निगरानी, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही है। तो इसी तरह चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर है कि लेव वायोस्कटी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाता है, अर्थात वाइगोस्टकी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है अनुकूलन एवं संगठन, दूसरा जो है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध।
तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, अर्थात तीसरा नंबर क्या है, सही है। इसी तरह जो है चौथा नंबर अर्थात फोर्थ नंबर देखते हैं, वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से क्या करता है, सूचित करता है। अर्थात देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है, तो पहला है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, दूसरा है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तीसरा अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, और चौथा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अर्थात इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है पहला, पहला जो है विकास एवं अधिगम संबंधित अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, अर्थात पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, अर्थात अनुभव से व्यवस्थित तरीके से निकालने वाले को क्या कहा जाता है, तो पहला है मानसिक मैप, दूसरा है मानसिक उपकरण, तीसरा है स्कीमा या फिर प्रतिमान। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है स्कीमा, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगला है एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा या जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। अर्थात देखिए, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो चार ऑप्शन इसके भी हैं, पहला है बुद्धि, दूसरा है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या साम्य धारण, या फिर संरक्षण। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो दूसरा है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर जो है वो है समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। अर्थात देखिए, जब क्वेश्चन न समझ में आए तो दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए। दो तीन बार पढ़ने से क्या होती है कि क्वेश्चन क्या कैसा पूछना चाहता है उसके बारे में आ जाता है। तो दो तीन बार क्वेश्चन पढ़ने से ही कुछ समझ में आता है, अगर न समझ में आए तो दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए। अर्थात कह रहा है क्या कि समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को क्या करता है, गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, पहला है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, दूसरा है लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, तीसरा है लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, और चौथा है रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन के लिए। अर्थात इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है चौथा, अर्थात रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलर वर्ग के नैतिक अर्थ की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन में क्या किया, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो जाता है, वैध
हो जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन हैं, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसके जो ऑप्शन सही हैं वो है पहला सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अर्थात पहला क्या होगा सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाओं के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो इसके चार ऑप्शन है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसके जो ऑप्शन सही है वो है तीसरा, अर्थात सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला जो है जीन पियाजे, देखिए क्या लिखा है कि जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसी संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। अर्थात जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है पहला सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थात एक बच्चे को समाजीकरण में अर्थात समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करते हैं। तो पहला नंबर जो है वो है मीडिया, दूसरा स्कूल, तीसरा परिवार, चौथा पास पड़ोसी अर्थात आसपास के जो पड़ोस हैं उनके। अर्थात देखिए बच्चों के समाजीकरण के लिए तो मीडिया भी सही है, विद्यालय का भी होना जरूरी है, परिवार का भी होना जरूरी है, और पास पड़ोस का भी होना जरूरी है। अर्थात इनमें देखिए पहला जो ऑप्शन सही बता रहा है कि एक दो तीन चार, अर्थात चारों सही हैं, या तीसरा या पहला सही है, या दूसरा या तीसरा, या पहला तीसरा और चौथा। तो हमको तो इनमें से चारों ऑप्शन सही हैं, और चारों ऑप्शन ही क्या हैं सही है, अर्थात पहला नंबर क्या है सही है, क्योंकि एक समाज में बच्चे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये चारों अपनाते हैं, मीडिया भी होती है, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस, ये होते हैं। अगला जो नंबर है वो है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसके जो चार ऑप्शन सही हैं नैदानिक, प्रकृतिवाद, या अंतरावैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है चौथा नंबर क्या है सही है। आइए अगला नंबर देखते हैं। तब तक देखिए अगला नंबर कि दिया है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। इसकी में चार ऑप्शन दे दिए हैं, दिया है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और चौथा है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। अर्थात देखिए ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है कौन कौन सा हो जाएगा। दूसरा सही है कक्षा में शिक्षण
अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये तो होना चाहिए। तीसरा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी ऑप्शन सही है। और बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अर्थात इसमें से ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें से कौन हो जाएंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला नंबर जो है वो है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसकी सही विवेचन क्या है। अर्थात अनेक शोधों यानी अनेक शोधों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, या फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या यह लिंग शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक क्या है, एक उदाहरण है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का क्या है, एक उदाहरण है। क्योंकि पढ़ाने के लिए तो लिंग पक्षपात होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहा है क्या कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चल रहा है कि शिक्षक लड़कियों के अपेक्षा लड़कों से क्या होते हैं, अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। इसी तरह अगला जो नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो पहला जो है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, तीसरा है प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, और चौथा है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। इनमें से जो ऑप्शन सही है वह है प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अगला है विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अर्थात विकास में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी नहीं समझ में आता है, तो बगल में क्या दिया रहता है, उसका इंग्लिश भी दिया रहता है। तो देखिए क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट। अर्थात देखिए यहाँ पर वैयक्तिक है ना, ये हम लोगों को थोड़ा सा हिंदी समझने में दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, अर्थात टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंट इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट। तो अर्थात इंडिविजुअल विभिन्नता को समझने के लिए, विकास में इंडिविजुअल विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं, पहला है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, दूसरा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, तीसरा है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है, और चौथा है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। अर्थात इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है पहला ऑप्शन सही, अर्थात वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो अगला जो नंबर है देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात इनमें से समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो पहला है विशिष्ट शिक्षा योजना, दूसरा है एक रूप निर्देश, तीसरा मानकीकृत परीक्षण, और चौथा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है पहला, अर्थात विशिष्ट शिक्षा योजना। इसी तरह इसका देख लेते हैं, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी
प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अर्थात अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखना। दूसरा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। और तीसरा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। तो इनमें से जो सब सही सूटेबल जो है वो है तीसरा, कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, अर्थात धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी तरह अगला नंबर जो है, अगला जो नंबर देखिए, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समस्याओं के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो इनके भी चार ऑप्शन है, देख लिया जाए कि अधिगम असक्षमता वाले बच्चों की, अहकेंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, या सृजनात्मक बच्चों की। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वह है चौथा, सृजनात्मक बच्चों की। अगला जो है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए, अर्थात दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तीसरा जो है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। और चौथा है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बालक दृश्य यानी देखने से क्या होता है, थोड़ी सी बाधित है, या दृश्य रूप से बाधित है, अर्थात एक जो बच्चे को कुछ दिखेगा नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि स्पष्ट रूप से बोलना पड़ता है, और ऐसे सामग्री की क्या करना चाहिए, वहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए जिसे वो छू कर उसको क्या कर सके, बता सके। तो अर्थात दूसरा नंबर क्या है, सही है। इसी तरह अगला जो नंबर है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं कि प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतो उत्साहित करना चाहिए, या कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा, सक्रिय रूप से हतो उत्साहित करना चाहिए, अर्थात सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, हतो उत्साहित करना चाहिए, अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला जो ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, या दूसरा है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं संश्रमण करने को बढ़ावा देना, या चौथा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए।
तो इनमें से जो ऑप्शन सही है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये क्या है कि इसमें से परिणित नहीं है। देखिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता, अर्थात निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता। तो पहला जो है अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करने प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए क्या करते हैं, सहयोग दिया जाता है। और तीसरा जो है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है अध्यापक विशिष्ट सत्र आवसन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर क्या कर देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है। इसी तरह अगला नंबर जो है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश दिया है निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के, अर्थात दो इसमें से ऑप्शन होंगे। तो पहला जो है देखिए अंक लेने के लिए लक्ष्य असफलता से बचने के लिए, या फिर अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य या अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अर्थात इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा अधिगम लक्ष्य एवं प्रदर्शन लक्ष्य। अर्थात एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्ची में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, तो एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण या अन्वेषण एवं परिचर्चा, तीसरा सूचनाओं का संचरण, और चौथा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है अन्वेषण एवं परिचर्चा, अर्थात दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी तरह जो है 28वां जो है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, तो इनमें से चार ऑप्शन हैं कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, चौथा है हम उम्र साथी को समझना, और पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। तो देखिए ये जो चारों हैं प्रभावी अधिगम के रणनीतियों के उदाहरण, ये जो पांच हैं पांचों क्या हैं, ऑप्शन सही हैं। तो अर्थात इसमें से देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा, सही है, क्योंकि ये जो है ना सटीक हैं, एक तरह से प्रभावी अधिगम के लिए ये सब क्या हैं, एक तरह से पांचों एग्जाम्पल ही हैं। आइए अगला नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, अर्थात इनमें से कौन एक बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो इनमें से देखिए मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें क्या देते हैं, अंक देते हैं,
मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना क्या करती हूँ, गृह कार्य करती हूँ, या गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो देखिए, इन चारों में से जो अभिकरणा का एक उदाहरण है वो है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अपनी को अच्छी तरह से क्या करती हूँ, समझ जाती हूँ, अर्थात चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही है। इसी तरह जो है लास्ट वाला है जो वो है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके चार ऑप्शन इसके भी हैं कि उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, या फिर केवल उदाहरण देने चाहिए, या केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, या उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने चाहिए। तो देखिए, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, अर्थात जो है ना सीटेट एग्जाम जो यहाँ पर है कि 7 जुलाई 2024 को आएगा, तो एक तरह से ये जो सब्जेक्ट है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इसका CDP, ये जो है क्या है बाल, इससे 30 नंबर के अंक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, अर्थात यहाँ पर हताश हो जाते हैं क्योंकि इसमें से नंबर बहुत कम उठते हैं। तो ऐसे मॉडल पेपर को आप लोग हमेशा देखते रहिएगा। हम डेली क्या करेंगे, ऐसे एक मॉडल पेपर को डेली लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।